हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो 5G से रिलेटेड है। 5G से विमानों को क्या खतरा है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एयर इंडिया की US के लिए जो फ्लाइट जाती हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज से जैसे कि अमेरिका, जापान, इन्होंने भी कंसर्न जताया है। प्लस US के लिए फ्लाइट इन्होंने सस्पेंड कर दी है। इंडिया में भी कुछ फ्लाइट सस्पेंड की गई हैं और इसके अलावा कुछ का टाइम चेंज किया गया है। क्यों किया गया है, क्या है इसके पीछे का रीजन और किस तरह से खतरा है 5G से ये फ्लाइट्स हैं उनको, तो ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, आज वेडनेसडे है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज अमेरिका के एयरपोर्ट पर 5G सर्विसेज स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि 5G इंटरनेट डिप्लॉयमेंट होना है एयरपोर्ट पर। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी फ्लाइट सस्पेंड हुई हैं और इंडिया से जो एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है उन्होंने इन्फॉर्म किया था कल ट्यूजडे को कि इंडिया से US के लिए जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और ये रिवाइज की जाएंगी फ्रॉम 19th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स। ये क्यों किया गया है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हुआ है 5G का इन US। ठीक है, US में 5G कम्युनिकेशन, 5G इंटरनेट डिप्लॉयमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली क्या है इसकी वजह से, देखिए अमीरात ने भी यहाँ पे कंसर्न जताया है, प्लस जापान एयरलाइन ने भी US के लिए कुछ फ्लाइट सस्पेंड की हैं। इसके अलावा US की भी कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड की गई हैं। तो ये बेसिकली पूरा मैटर है। और यहाँ पे क्या है कि 5G कम्युनिकेशन का डिप्लॉयमेंट की वजह से US में जो USA है वहाँ इंडिया से जो फ्लाइट्स जाती हैं वो कैंसिल की गई हैं और वो बाद में 19th ऑफ जनवरी से जब ये रिवाइज की जाएंगी तो एयरक्राफ्ट टाइप में भी कुछ चेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिर उसके बाद इनको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि 5G बैंड का जो सी बैंड है ना, 5G का जो सी बैंड है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, तो सी बैंड यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट के लिए जो हम हवाई जहाज वगैरह उड़ाते हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए जो बैंड यूज करता है, जो फ्रिक्वेंसी यूज करता है, उसी टाइप की फ्रिक्वेंसी 5G के सी बैंड में है, जो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसके कम्युनिकेशन में। और इस वजह से फ्लाइट्स का, जैसे कि इस तरह से अगर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगी तो फिर लैंडिंग मोड में वो कम्युनिकेशन बीच में इंटरप्ट ना हो जाए और उस वजह से ये चीज़ें की गई हैं, उससे सिक्योरिटी को खतरा है। तो ये सब चीज़ें हैं 5G की वजह से। अब यहाँ पर इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये एकदम से डिसीजन हो गया, इससे पहले एक लेटर दिया गया था नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों को मिलाकर एक लेटर दिया था। किसने लेटर दिया था, जो एयरलाइंस है अमेरिका की, जैसे कि इंडिया में एयरलाइंस, सेम इसी तरह से एयरलाइंस ऑफ अमेरिका ने, जो काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं अमेरिका की, उन सभी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं इन्होंने एक लेटर दिया और इस लेटर में बोला गया था इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए। क्यों, टू अवॉइड सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन टू एयर पैसेंजर्स, शिपर्स, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऑफ नीडेड मेडिकल सप्लाईज ड्यू टू 5G सर्विसेज। उन्होंने बोला कि 5G सर्विसेज जो आप स्टार्ट कर रहे हो और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। हम मेडिकल सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारी फ्लाइट्स टाइम पर पहुँचे या हम उनको हमें रोकना ना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सबको अवॉइड करने के लिए आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करना चाहिए। ये लेटर दिया गया था और इसमें काफ़ी कुछ बोला गया था। CEOs ने बोला था कि अर्जेंसी टू रिक्वेस्ट दैट 5G बी इम्प्लीमेंटेड एनी वेयर इन द कंट्री, मतलब US में कहीं पर भी आप 5G कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो रनवे, एयरपोर्ट रनवे है उससे अप्रोक्सीमेटली 3.2 किलोमीटर के दायरे में आप 5G इम्प्लीमेंट ना करो, मतलब इस दायरे को छोड़ के बाकी आप हर जगह पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप मत करिए, ऐसा बोला गया। और इस पर US में ऐसा भी हुआ कि ये जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो कंपनी ने बोला है कि हम
कुछ टाइम के लिए इसको रोक लेते हैं या हम थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेते हैं, हम वो फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो इस तरह के डिस्कशन हुआ है और बहुत ज्यादा ठीक से नहीं हुई ये चीजें, और एट लास्ट अभी ये फ्लाइट्स कैंसिल की गई क्योंकि वहां पे इंटरप्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब यहाँ पर दिस विल अलाउ 5G टू बी डिप्लॉयड वाइल अवॉइडिंग हार्मफुल इम्पैक्ट्स। अगर आप इस एरिया में नहीं करेंगे, एयरपोर्ट रनवे के आसपास आप नहीं करेंगे, तो हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा एविएशन इंडस्ट्री को। क्यों? देखिए, अगर जो पैसेंजर्स जा रहे हैं, जो फ्लाइट में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे लैंडिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्चुअली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं बताऊंगी अभी आपको कि कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम आती है तो पैसेंजर सेफ्टी का सवाल होता है, तो पब्लिक सेफ्टी का सवाल है जो पब्लिक ट्रेवल कर रही है, सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। सप्लाई चेन कैसे कि जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह जा रहे हैं, जिनमें सामान जा रहा है, वो भी अगर टाइम पर नहीं पहुंच रहा है, तो बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह ऐसी जगह पे होते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की जगह पे होते हैं जहाँ पे एक वही रास्ता है पहुंचाने का, वही एक टाइमली फूड सप्लाई या कोई सी भी सप्लाई टाइम पर अगर नहीं पहुंचती है तो वो दिक्कत हो सकती है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पर नहीं होता है तो दिक्कत है। अब वैक्सीन सिर्फ कोरोना वाली नहीं, और भी वैक्सीन है, और वो सब भी टाइम पर पहुंचे, मेडिसिंस टाइम पर पहुंचे। ठीक है, तो बेसिकली इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे बोला गया था कि एयरपोर्ट रनवे के आसपास वाले एरिया में आप, कितना एरिया बोला गया, 2 माइल का, 3.2 किलोमीटर के एरिया में आप 5G सर्विसेस इम्प्लीमेंट ना करें। ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों बोला गया है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। एक्चुअली है क्या कि जो एयरक्राफ्ट रडार ऑल्टीमीटर ऑपरेट करता है, एयरक्राफ्ट ऑल्टीमीटर क्या होता है, कितनी हाइट से इनको नीचे लाए, जैसे कि एक हाइट होती है, तो जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह जाता है इस हाइट से ऊपर, मतलब इस तरह से आता है रनवे पर, और फिर इतना हाइट पर, इतनी हाइट से ऊपर जा रहा है। अब सेम इसी तरह से जब ऊपर से नीचे आता है, तब भी वो किसी एक हाइट के बाद नीचे आना स्टार्ट होता है, तो बेसिकली ये ऑल्टीमीटर होता है। ठीक है, तो इस हाइट के हिसाब से रनवे पर कितना उसको लेना चाहिए, इसका कोई एक एक टाइम होता है, एक जगह होती है जहां से उसको नीचे जाना है, जहां से उसको फिर फ्लाई करना है, टेक ऑफ करना है, ये सब चीजें जो करते हैं उसका एक फिक्स जगह होती है। ठीक है, अब ये जो एयरक्राफ्ट रडार ऑल्टीमीटर जो ऑपरेट करता है वो 4.2 to 4.4 GHz पर इस पर ऑपरेट करता है, 4.2 to 4.4 GHz। ठीक है, द लोअर हाफ ऑफ विच फॉल्स विद इन द सी बैंड। एक्चुअली अगर मैं 5G की बताऊं तो 5G आपका ये सी बैंड है। ठीक है, ये सी बैंड 4 to 8 GHz पर वर्क करता है, एल एस सी एक्स इस तरह के ये बैंड होते हैं। अब इसमें जो सी बैंड है वो 4 से 8 GHz में काम कर रहा है। ठीक है, ये इसको बैंड दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट रडार ऑल्टीमीटर 4.2 to 4.4 GHz में काम कर रहा है। अब आप देखोगे कि ये सिमिलर बैंड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो लोअर हाफ है, ठीक है, वो सी बैंड के अंदर आ रहा है। ओके, जो कि कितनी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3.7 to 4.2 GHz, वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिशन एंड कैपेसिटी आर ऑप्टिमम। तो ये वाला जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर रही है, ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट वाले एक डायग्राम में समझ आएगा कि ये जो फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए हो रही है। अब जब फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है, जैसे कि हम फोन पे बात करते हैं तो दूसरी आवाज आने लग जाती है हमें, तो अगर एक ही बैंड में दो चीजें ओवरलैप करेंगी तो वहां पर फ्रिक्वेंसी रेंज, सेम फ्रिक्वेंसी रेंज हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट अगर सेफ्टी कंसर्न से दिक्कत आए, फ्लाइट को कब लैंड करना है, उसका ऑल्टीमीटर क्या होना चाहिए, इसमें अगर दिक्कत आ जाए तो लोगों की जान को खतरा है। ठीक है, तो 5G वायरलेस नेटवर्क शेड्यूल टू बी स्विच ऑन बाय AT&T एंड वेरिजॉन, ये शेड्यूल की गए थे नेक्स्ट मंथ से, और इनको सी अमेरिका और भी जगह पे दिया गया है। तो अमेरिका में बेसिकली इनको जो बैंड दिया गया है सी बैंड, लास्ट मंथ इसकी ये जो बैंड दिया गया था, उस सी बैंड में ये प्रॉब्लम है, वो एक ही ये जो सी बैंड है और ये इस से ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं। अब इस बैंड को भी मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट मंथ विल अकर विद इन द 3.7 to 3.98 GHz फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है और जो कि इस ऑल्टीमीटर के बिल्कुल पास में है। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो फ्रिक्वेंसी बैंड ओवरलैप भी करती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल आपने 3.98 है और यहाँ पे 4.2 है तो ये तो इतना गैप है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी ओवरलैप करती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
तो यहाँ पे 5G जो है वो कौन कौन से बैंड पे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तीन बैंड होते हैं, एक है हाई बैंड, ठीक है, ये हाई बैंड कितना है 24 GHz to 40 GHz। मिड बैंड में आपके ये दो है, मिड बैंड में 4G 5G वर्क करता है 3.5 GHz to 6 GHz। उससे कम की अगर हम बात करें, मिड बैंड में 1 GHz से 2.6 GHz पर 4G 5G 3G 2G ये सब वर्क करते हैं। लो बैंड अगर हम 1 GHz से कम की बात करें तो 2G 3G 4G 5G, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरा मिड बैंड है, 1 GHz से लेके 6 GHz तक है ना, और हाई बैंड ये है आपका 24 GHz to 40 GHz। तो ये तीन बैंड बेसिकली बैंड दिए जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बैंड 5G के लिए ये तीन तरह के हैं, लो हाई और मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि मैंने एक 5G पर लेक्चर भी बनाया था, तो आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। जैसे कि हम बात करते हैं 2G की, 3G की, 4G की, 5G आता गया, हम क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें स्पीड ज्यादा है। अगर हम फ्रिक्वेंसी ज्यादा यूज करते हैं तो स्पीड ज्यादा है, तो बेसिकली क्या कोशिश की जाती है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क किया जाए जिससे कि हमें स्पीड अच्छी मिले। ओके, सिंपल सी चीज समझ आ गया। तो ये जो नेटवर्क कंपनीज है वो क्या चाहती है कि हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज करें, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी बैंड कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज का है यहाँ पे। अब ये 1 less than 1 GHz में ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह से डार्क लाइन है, डार्क लाइन लाइसेंस्ड है, मतलब ये दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया कि हाँ इस बैंड पर आप चला सकते हैं, ठीक है। अनलाइसेंस्ड ये आपके अनलाइसेंस्ड है, इनका कोई लाइसेंस अभी नहीं मिला है, और एग्जिस्टिंग बैंड ये जो आप देख सकते हो ये एग्जिस्टिंग बैंड है। ओके, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे 4 GHz, यहाँ पे आपको देखेगा 3.7 to 3.98 GHz, ये वाला जो GHz है ये, और वहां पे था 4.2 to 4. हमने देखा 4.2 से स्टार्ट है। तो देखिए ये वाला जो GHz है ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपका ये बिल्कुल 3.98 बिल्कुल पास में ही आ गया है, ठीक है, 4 GHz जो है उसके आसपास ही आ गया, और इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अगर आप कहीं पे देखो तो या तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट हो रहे हैं ये, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, ये ओवरलैप नहीं करेगा, या फिर बहुत कम पर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3.8 है ये, ठीक है, 3.8 तक जा रहा है, लास्ट लिमिट ये है, या फिर 4.8 के बाद है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 3.98 4 पर ही पहुंच गया, तो ये बहुत ही पास में पहुंच गया, तो इसीलिए यूएस में ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अगर हम और जगह पर बोलें तो बाकी कंट्रीज में भी 5G चल रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज में क्यों दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने बैंड इतना पास में भी नहीं दिया कि ओवरलैप हो जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम फ्रिक्वेंसी पे वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा ली जा रही है। अब ज्यादा फ्रिक्वेंसी अगर यूज करेंगे तो स्पीड ज्यादा अच्छी आएगी, और इसी वजह से कोशिश की जाती है कि ज्यादा फ्रिक्वेंसी यूज की जाए। तो यहाँ पर जो जो फ्लाइट्स वगैरह के लिए बोला गया है या कैंसिल की गई है, उसका रीजन यही है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, और जो ऑल्टीमीटर है उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको लेटर के बारे में बता ही दिया है, तो ये मेन इशू है यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मैंने उनको बताया आपको कि काफी कम फ्रिक्वेंसी पर वो वर्क कर रहे हैं वहां पे, और इस तरह से बिल्कुल इंटरप्ट नहीं हो रही है सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे यूएस में ये इंटरप्ट हो रही है, और इस वजह से ये किया गया। हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, और हो सकता है कि इतना बैंड बाद में मना कर दिया जाए कि आप इस पर ना यूज करो लास्ट में, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर सोचने वाली बात है, सिर्फ यूएस के लिए नहीं सभी के लिए है। जैसे हमारी फ्लाइट्स भी यूएस जा रही है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि इंडिया की फ्लाइट्स नहीं जा रही, तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो बेसिकली यहाँ पर इन पर असर पड़ेगा अगर इस बैंड को की जो फ्रिक्वेंसी, कम फ्रिक्वेंसी को ना यूज करके अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी को यूज किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बनता है। इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स भी आपको वहां पे मिल जाती है, प्लस वीडियोस की PDF भी वहां पे मिल जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।